हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीट पेजी सीरीज एट लर्न हॉब मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट लर्न हॉप डॉट कॉम जहाँ पे आपको मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री तो नीट सीरीज का ये वीडियो जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं ये है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने एम्पीयर सर्किटल लॉ बायोसावर्स लॉ को समझाया और उनके साथ साथ उनके एप्लीकेशंस को भी देखा है तो चलिए अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक की शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से ओके तो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स क्या कह रहा है ये क्या वो मैग्नेट्स के बीच का फोर्स है जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब आपस के सामने रखा जा रहा है तो उसके बीच में क्या फोर्स हो रही है क्या उस फोर्स की बात हो रही है तो नहीं यहां पे हम उस फोर्स की बात नहीं कर रहे यहां पे हम ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स की ही बात कर रहे हैं बट ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रखे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी फोर्स महसूस करेगी या फिर कितना फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर को फील होगा इसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे तो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस इज अ फोर्स विच मींस दैट द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑब्वियसली समझ में आ रही है देखो एक तो ये कंसेप्ट होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिधर फ्लो हो रही है उसके अराउंड एक, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, है ना? ये क्रॉस का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर तरफ है ठीक है दिस तरफ ओके तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है अगर इसमें मैं एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को डालता हूं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या फोर्स महसूस करेगा इसे हम समझेंगे क्या मैग्नेटिक फोर्स में ओके समझ में आ रही है तो इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी ठीक है अब इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप समझोगे तो फोर्स क्या है क्यू वी क्रॉस बी ओके क्यू वी क्रॉस बी वेर वी इज क्या है वी इज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स ठीक है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स सो इफ अच्छा इसको इस, इस वाले सिचुएशन पे बाद में आते हैं पहले यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे क्या लिखा गया है कि जो कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे उस पर जितनी फोर्स वो फील करेगी उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे इसे तो हम कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है चार्ज है जो कि फ्लो हो रहे तो हर एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स फील होगा है ना तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ वो ये बताता है दैट इज क्यू चार्ज ऑफ द पार्टिकल इन ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनटू द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओके जिसे हम क्यू वी थीटा भी लिखते हैं क्यू वी साइन क्यू वी बी थीटा ओके क्यू वी बी थीटा अब इस पे कुछ स्पेशल केस आते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट पे है मतलब चार्ज रेस्ट पे होने का मतलब कोई करंट नहीं है ठीक है एक इस तरह से हम समझ सकते हैं चार्ज अगर रेस्ट पे है मतलब चार्ज मूव ही नहीं हो रहा तो करंट का फ्लो कहां से आएगा तो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी विल भी जीरो मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो थीटा इक्वल्स टू जीरो और 180 डिग्री एफ एम इक्वल्स टू जीरो क्यों क्योंकि साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी राइट थीटा जीरो में साइन थीटा जीरो हो जाएगा नाउ इफ थीटा इक्वल्स टू नाइनटी द फोर्स इज मैक्सिमम मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज मूव होने की डायरेक्शन इस तरफ है अच्छा इस तरफ अगर नेगेटिव चार्ज मूव हो रही है इलेक्ट्रॉन मूव हो रही है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी ठीक है, है समझ रहे हो ना विद ईच अदर तो यहां पे अगर चार्ज सपोज कर रहे हैं क्यू चार्ज इस तरह इसकी कौन सी चार्ज है मुझे नहीं पता है इले, इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन है मुझे मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं बस चार्ज इस तरफ फ्लो हो रही है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ ए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ दोनों के बीच में एंगल बना कितना 90 डिग्री है ना 90 डिग्री का एंगल बना तब यहां पे अगर ऐसा सिचुएशन हो तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा अच्छा इस टाइम पे इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड और जो जो फोर्स हम लिख रहे हैं qv क्रॉस b तो ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी एक चार्ज पार्टिकल जो इस तरफ वेलोसिटी हो रही जिस जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी गई है तो उसमें उस सिचुएशन में उस, उस चार्ज पार्टिकल के में जो फोर्स फील हो रहा है उसकी डिरेक्शन किधर होगी तो आप बोलोगे कि सर क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस क्रॉस तो v B, तो ये बाहर की तरफ आएगी ठीक है बाहर की तरफ आएगी ओके समझ में आ रही है बात कि किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन ठीक है अब डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका है जो कि अभी मैं बताने वाला हूं आपको तुरंत में तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यू वी क्रॉस बी आ रहा है और मैक्सिमम क्या हो जाएगा एफ एम मैक्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम इक्वल्स टू क्यू वी बी ओके अब आ रही आती है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हो ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में कौन सा फोर्स फील हो रहा है तो वहां पे हम एक स्पेशल टर्म देंगे दैट इज द फोर्स फोर्स क्या होती है इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रो फील्ड अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर एक पॉइंट चार्ज को रख दिया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे कि लाइट होती है तो लाइट क्या प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे प्रोड्यूस कर रही है तो ये इसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होगी इस फील्ड में अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को रखू किसी पॉइंट चार्ज को रखू तो उस पर कितनी फोर्स फील होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो क्यू वी वी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी उसे हम क्यू वी लिखते हैं फोर्स ऑन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यू लिखते हैं सो लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगा क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी क्यू को कॉमन लिया यानी कि क्यू इसे हम किस तरह से लिख सकते थे क्यू प्लस क्यू वी क्रॉस बी ठीक है इसे Q को कॉमन लेके हमने इस तरह से लिखा और इसे हम कहते हैं क्या लॉरेंस फोर्स क्या कहते हैं लॉरेंस फोर्स अच्छा फोर्स है तो इसकी यूनिट आपको बताइए क्या होगी न्यूटन हो जाएगी अब इस फोर्स की डायरेक्शन को देख लेते हैं तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ठीक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने थंब अपने लेफ्ट हैंड के थंब को अगर थंब को एक्सटेंड करते हैं और उस पे आप देखते हो कि फोर्स उस वो आपको फोर्स बताती है बट जो पॉइंटर फिंगर है वो किस तरफ होनी चाहिए जिस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड है और करंट फ्लो के डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर होनी चाहिए तो अगर मेरी करंट uh, फ्लो इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है then जिस तरफ मेरा thumb extended होगा, उस direction में मुझे फोर्स फील होगा क्यों क्योंकि आप देख लो ये वाली सिचुएशन है ना आई क्रॉस बी एफ का आएगा अब ये आई क्रॉस बी एफ कैसे आएगा इस पर भी हम आएंगे ठीक है तो समझ रही हो बात क्या है बात यहां पे कि अगर आपको फोर्स निकालना है फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है और जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है उस टाइम पे उस समय पे फोर्स जो बताएगा उस चार्ज पार्टिकल पे या फिर किसी भी किस डिरेक्शन में फोर्स होगी वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अब जब आगे हम इलेक्ट्रो इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहीं पे फ्लेमिंग की जो लेफ्ट हैंड रूल है वो राइट हैंड रूल हो जाती है हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन को हम पता कर रहे हैं तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगी पर जैसे ही इंड्यूस्ड करंट की बात आ जाएगी तो वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आ जाएगा ओके okay, समझ रहे हो बात आगे बढ़ते हैं अब देखो यही है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया गया है अब इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उस हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स फील कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स फील कर रहा है ओके okay, अब देखो फोर्स फील्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज एफ इक्वल्स टू एन ई ए वी डी क्रॉस बी वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए तो आपको पता ही है क्रॉस सेक्शनल एरिया ओके okay, ये क्या किया हमने वी डी जो उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मोस्ट प्रोबेबली हम यहां पे लिख रहे हैं या फिर करंट डेंसिटी आप कह सकते हो एन ई ए वी डी क्रॉस बी ओके सिंस एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट डी एल इज एन ए डी एल ठीक है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही किसमें डीएल में, DL में? एलिमेंटल लेंथ में ठीक है समझ में आ रही सो फोर्स एक्सपीरियंस ईच इलेक्ट्रॉन इन डीएल सिर्फ डीएल में जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी डी एफ टू एन डी ए एन ए डी एल माइनस ई वी डी क्रॉस बी जिसे हम डिफ्रेंशिएट करके हम ये ला सकते हैं आई डी एल क्रॉस बी अब इसे ही अगर मैं पूरे कंडक्टर के पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे फोर्स मिल जाएगी कितनी एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी ठीक है एफ इक्व टू आई एल क्रॉस बी अब आई एल क्रॉस बी को हम आई एल बी साइन भी लिखते हैं ठीक है इसे याद करने का सिंपल तरीका जो है वो है बिल गेट्स लॉ बिल आपको पता ही है बिल गेट्स, है ना बिल गेट्स लॉ हम लिख सकते हैं ओके नॉट इट इज बिलगेट्स लॉ ऐसा नहीं कि बिल बिलगेट के द्वारा दिया गया है तो ये आपको वो कंफ्यूजन में मत लगना आई एल क्रॉस बी है ठीक है याद रखने के लिए बिलगेट साफ लिख सकते हो राइट इस तरह से आप सोच सकते हो अब देखो फोर्स क्या हो गया ये आई एल बी साइन थीटर है ना तो आई एल क्रॉस बी ये वाली सिचुएशन आ जा रही है ओके आगे बढ़ते हैं अब फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इंफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर अगर दो पैरेलल इंफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया जाए तो कितनी फोर्स होगी तो देखो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है पैरेलल ही रखा हुआ है अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके वजह से राइट हैंड थंब रूल से हम दिखा सकते हैं कि इस पर फोर्स फील होगी मैग्नेटिक फोर्स फील होगी राइट सो बाय राइट हैंड थंब रूल हम बता सकते हैं कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है डायरेक्शन क्या होगी जिस तरफ हम फिंगर कर्ल करेंगे सिमिलरली इसके वजह से इस पर भी फोर्स फील होगी ये राइट है अब बाहर की तरफ यहां पे देखो इसलिए डायरेक्शन बना हुआ क्या डॉट बनी है मतलब ये बाहर की तरफ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहां यहां से क्या हो रही है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ठीक है समझो बात को सो एफ वन टू एक होगा फोर्स ऑफ ऑन वन बिकॉज ऑफ टू और एक है एफ टू वन दैट इज फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन तो इसे अगर मैं लिखूं अगर अलग अलग तरीके से तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस ड्यू टू करंट इन पी क्यू दैट इज बी वन टू म्यू नॉट आई बाई पार्ट में मैंने बायो सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन में बताया था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी भी एक डिस्टेंस पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी इतनी होगी ठीक है लेकिन हमें निकालना है क्या है हमें तो फोर्स निकालना है फोर्स होती क्या है क्यू वी बी लिखो ना, भी लिखो तो देखो करंट आई, आई टू सो फोर्स ऑन आर एस ड्यू टू करंट आई टू कितनी हो जाएगी देखो एफ टू वन इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर आई टू एल बाई साइन नाइनटी डिग्री ये क्या है फोर्स आ गया फोर्स आ गया मतलब आई एल बी वाला आ गया आई एल बी साइन थीटा वाला आ गया क्यूवी बी से हम भी कर सकते हैं हम बट आई एल बी साइन गया जो कि हमने स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था तो आई एल बी बी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी ठीक है आई ये है एल साइन नाइन्टी डिग्री ठीक है एल साइन नाइनटी डिग्री इसी तरह से हम सेकेंड वाले के लिए भी एफ टू वन भी निकाल सकते हैं तो हमारे पास एफ वन एफ टू दोनों आ गया अब क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑन पी क्यू ड्यू टू करेंट इज आरएस यहां पर हमने क्या निकाला मैग्नेटिक फील्ड बी टू निकाला ठीक है बी टू निकाला दैट इज यहां पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है जिसकी डिरेक्शन टूवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड ये आ रही है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी देखो यहां पे आई वन था यहां पे आई टू हो जाएगा सिंपली अब फिर से हम क्या निकालेंगे फोर्स निकालेंगे तो फोर्स में आएगी कहाँ पे? F1, आए। अब हमारे पास फोर्स जो हो गया दैट इज एफ वन इक्वल टू एफ वन टू इक्वल टू एफ टू वन आ गया कैसे देखो पिछले वाले स्लाइड में हमारे पास क्या आया था एफ टू वन एफ टू वन क्या है फोर्स ऑन बिकॉज ऑफ वन ठीक है फिर हमारे पास क्या है? एफ वन टू आया फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू समझ में आ रही बात देखा गया कि दोनों ही इक्वल हो रहे हैं एफ वन टू इक्वल्स टू एफ टू वन जिसे हम लिख दिए हैं एज एफ सो फोर्स कितना हुआ म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई पाई पाईआर सो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर देखा जाए यानी कि F by L, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई समझ में आ गया ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझ में आ रही बात कब होगी ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ओके अब देखो अगर आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू वन एम्पियर हो जाए यहां पे I1 वन इंटू आई है I1 और I2 के बराबर I1 अगर I2 के बराबर हो जाए मतलब दोनों में ही सेम करंट का फ्लो हो और जिसे हम वन एम्पियर कह दे तो हमें क्या मिलेगी और इस डिस्टेंस को भी अगर मैं r 1 मीटर कंसीडर कर लूं तो मुझे फोर्स जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2 10 -7 न्यूटन पर मीटर दैट इज नॉट फोर्स दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ मुझे इतनी मिलेगी तो इसी तरह से हम 1 एंपियर करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं 1 मीटर apart रखता हूं जिसमें जिसके बीच में फोर्स अगर ए फोर्स पर यूनिट लेंथ टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर फील हो रही है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है दैट इज वन एम्पियर सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन वन एम्पियर एज वेल ओके अब देखो क्या सीन होता है कि जब हम सेम डिरेक्शन में रख रहे हैं दोनों करंट कैरिंग वायर को तो हमारी जो फोर्स होगी जो फोर्स की जो फील्ड बनेगी या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नॉट की फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी ठीक है कि इसके से क्या होगे कुछ इस तरह का शेप हमें देखने को मिलेगा है ना लेकिन अगर यही ऑपोजिट कर दिया जाए एक करंट इस तरफ फ्लो हो रही है एक में तरफ फ्लो हो रही है तो इसके वजह से नीचे की ओर होगा ऐसे और इसकी वजह से डिरेक्शन ऊपर की ओर होगा मतलब दोनों ही ऑपोजिट डिरेक्शन में है तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा व्हेन दे आर एंटी पैरेलल टू तो इच अदर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम समझेंगे डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कि किस तरह से एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आके अपने पाथ से डेविएट होती है तो ऐसा देखा गया है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी जाती है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में घुस रही है तब क्या देखा जा रहा है कि पहले तो वो स्ट्रीट पाथ को अपनी मेंटेन कर रही है बट जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है सो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स वो क्या हो रही है अपने पाथ से कुछ डेविएट हो रही है अब ये पाथ से डेविएट कितना हो रही है क्यों हो रही है इसे हम समझेंगे बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स की अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आ रहे हैं बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर गोइंग इनसाइड द प्लेन ठीक है तो अगर इस तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उसका पाथ कैसा होगा ठीक है तो पहले तो हम समझेंगे कि पाथ कैसे होगा इससे पहले हम ये समझेंगे पाथ चेंज ही क्यों होगा ठीक है देखो क्या हो रही है कि चार्ज चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी वेलोसिटी है 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 ये प्लस Q चार्ज है, है, ये प्लस सपोज इसकी मूव कर रही है। ओके अब ये मूव कर रही है ये गई कहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड में इसकी ऑलरेडी एक वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड में इसे मैग्नेटिक फील्ड महसूस हुआ है ना इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स इसे महसूस होगा ओके सो मैग्नेटिक फोर्स के वजह से इसकी खुद की भी फील्ड है खुद की भी वेलोसिटी है मैग्नेटिक फोर्स के वजह से भी ये किसे खिंचा हुआ आएगा तो इसकी पाथ धीरे धीरे डेविएट होगी तो ऐसा देखा गया है कि जब चार्ज पार्टिकल जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल ठीक है ये डॉट देख रहे हो आप

और इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स महसूस किया दैट इज क्यू वी बी ठीक है वैसे तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है लेकिन यहां पे क्या है जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के डायरेक्शन क्या है एक दूसरे से 90 डिग्री बनाती है तो साइन 90 की वैल्यू वन आ जा रही है सो एम वी स्क्वायर बाई आर वी कैन राइट एज क्यू वी बी तो यहां से हम आर की अगर इक्वेशन डिराइव करें तो इस तरह से आ जाएगी वी v कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या जाएगी? MV by Qb आ जाएगी एम वी बाई क्यू बी और बी क्यू ठीक है अब ये आ गई रेडियस मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रही है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसकी रेडियस इतनी है ठीक है अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं v टू क्यू बी आर और क्यू आर बी बाई एम ठीक है इसे हम क्यू बी आर या फिर क्यू आर भी कुछ भी आप लिखो बाई एम हम लिख सकते हैं ओके okay, सो so ये क्या हो गई वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल देखो किस पे डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है और रेडियस पे डिपेंड कर रही है मास पे मास तो कांस्टेंट है चार्ज तो कांस्टेंट है ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस ऑफ द जो भी ये रेडियस है आर रेडियस है इस पर डिपेंड कर रही है ओके okay, अब ये जो डेविएशन इसमें हो रहा है ना इस पाथ से डेविएट हो गई इतना तो ये जो एंगल है डेविएशन ये किसके बराबर होगा दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा टीम ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम लिखते हैं वी बाई आर इंटू टी सो ये डेविएशन कितनी आएगी डेल्टा इक्वल्स टू वी क्या है वी ये है वी बाई आर यानी कि क्यू बी बाई एम सो सिंपली क्यू बी बाई एम इन टू टी ये क्या आ गया हमारे पास डेविएशन ओके okay, समझ में आ रही है ओमेगा को हमने क्या लिखा है वी बाई आर यानी कि यहां पे एक और लिख दो ओमेगा इक्वल्स टू कितना वी बाई आर यानी कि क्यू बी बाई एम ठीक है ये आ गई वेलोसिटी कितनी आ रही है आर क्यू बी बाई एम इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ़ स्क्वायर v, v के जगह पे क्या लिखेंगे हम r r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बाई m स्क्वायर m स्क्वायर और ये ऊपर का m कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये m जो है इसे हम हटा के हम क्या लिखेंगे सिंपली r q b का होल स्क्वायर बाई m ये हमारे पास क्या आ गई Of the on a ऐसे बॉक्स बनाए हुए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है यह थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है बट अगर पूछ भी जाए वेलोसिटी आपको पता होगा तो आप काइनेटिक एनर्जी इजिली निकाल सकते हो ओके okay? चलो फिर आगे बढ़ते करंट लूप एंड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक करंट लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो किस तरह से बिहेव करेगी ठीक है तो हमें क्या पता है कि सपोज एक करंट कैरिंग लूप लूप में क्या होती है देखो करंट की डायरेक्शन चेंज होते रहती है यहां पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है यहां पे इस तरफ है यहां पे इधर की तरफ है राइट नीचे की तरफ है और इधर पे यहां है अब जैसे जैसे करंट की डिरेक्शन चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसका एंगल भी चेंज चेंज हो हो रहा रहा है 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 ना सो so, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसका एंगल हो रहा है, तो उस हिसाब से ये यह, यहां पे कुछ अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स फील होगा क्योंकि अगर मैं लूप रखिए लूप मतलब क्या इस टाइप का कुछ चीज राइट इसके अंदर में कोई सरफेस नहीं है एक लूप है ओके अब लूप को अगर रख दिया जाए तो ये एक स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट से अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आई एलबी साइन थीटा यहाँ पे आई एल बी साइन थीटा यहां पर आई एल बी साइन थीटा यहां पे आई एल बी साइन थीटा है ना समझ पा रहे हो ना क्या सीन हो रहा है यहां पे तो इसे अगर मैं थोड़ा अच्छे से डिराइव करके लिखूं सो क्या है एक्सिस ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एफ एस पी एस पी कौन सा पार्ट है देखो एस पी ए वाली पार्ट है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैक्सिमम फोर्स होगा सो आई एल बी क्रॉस बी ठीक है आई एल बी साइन थे बी क्रॉस बी दई एल स्म बी स्मॉल बी क्या है ब्रेथ है ये लेंथ है सो आई एल बी के जगह पे बी लिखा गया और कुछ नहीं है कंफ्यूज मत होना कि दो बार सर बी लिख हो ऐसा कोई सीन नहीं है सो so, इसके अगर मैं मैग्नीट्यूड देखू तो आई एल आई बीबी साइंथीटा क्यू आर पे भी आई बीबी साइंथीटा ठीक है यहां पे जितना होगा यहां पे भी सेम होगा है ना मैग्नीच्यूड लिखा जा रहा है ठीक है मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है सेकेंड क्या हो रहा है देखो एफ एस पी एंड एफ क्यू आर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है सो सो दे ईच अदर विल कैंसिल आउट मतलब फोर्स जो होगा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये फोर्स की डायरेक्शन यहां पे मैक्सिमम होगी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा बट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां पे दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो यहां पे नेट फोर्स क्या हो रहा है जीरो हो रहा है ठीक है समझ में आ रही है फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं लग रहा है यहां पे नेट फोर्स जीरो होने वाला सीन है तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा सो एज दे एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क बट यहां पे क्या हो रही यहां पे भी डिरेक्शन चेंज हो रहा है बट ये क्या है करंट इधर है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स किधर होगा इस डिरेक्शन में होगा लगा लो रूल फ्लेमिंग्स का लॉ लगा लो लाइफ फ्लेमिंग्स का रूल लगा लो तो यहां से अगर मैं देखूं कि अगर मैं आर एस और पी क्यू की बात करूं तो एफ क्यू इक्वल टू आई एल क्रॉस बी ठीक है आई एल क्रॉस बी एफ पी क्यू आ गया पी क्यू आने की इस डिरेक्शन में सॉरी इस डिरेक्शन में पी क्यू फोर्स क्या होगी इधर मूव करना चाहेगी जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा यहां पे? मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डिरेक्शन अलग है मैग्नीट्यूड सेम है बट डिरेक्शन अलग है सो so, एफ क्यू आर कितना आ जाएगा देखो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा एक एफ पी क्यू ये क्या होगी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी टॉर्क मतलब क्या फोर्स इन टू परपेन्डिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क है ना टॉर्क से क्या होता है जैसे फोर्स आपको मोशन कॉज करवाता है टॉर्क आपको रोटेशन कॉज करवाएगा तो एक अगर लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो ये फोर्स हमें फील होगा है ना और इसके वजह से क्या हो जाएगा रोटेशन होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो फोर्स जो है फोर्स की डिरेक्शन इन मैग्नीट्यूड डिरेक्शन आई एल बी बी कॉस्थिटा ठीक है पी so, तो एन क्या है ये वाली डिस्टेंस है नॉर्मल से डिस्टेंस ली गई है एन ओके okay. हो टॉर्क इक्व टू आई एल बी बी कॉस्टिटा सिमिलरली टॉर्क को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसकी जो फॉर्मूला आती है वो क्या है एन आई ए बी कॉस्टिटा इसे हम नियाब से भी आप याद रख सकते हो जो टॉर्क आएगी वो क्या हो जाएगी एन आई ए बी कॉस्टिटा एन इज दी नंबर ऑफ टर्स अगर नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया गया कि सिंगल लूप दी गई है तो आप एन के जगह पे वन पुट करोगे और अगर इस तरह से है तो आई ए बी कॉस्टिट आप लिखोगे वेर इक्वल्स टू एल इन टू बी लेंथ इन टू ब्रेथ ठीक है ए को यहां से लिया गया ये जो आई एल बीबी है ना ले क्या है लूप की एरिया

Normal हम खींच रहे कहां से नॉर्मल टू द डिरेक्शन क्या होगा ये है कॉल है ना नॉर्मल टू द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द डिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिरेक्शन फील्ड ये है सो थीटा प्लस प्लस फाइव ये वाली एंगल फाइव मान लिया हमने थीटा प्लस फाइव कितनी हो जा रही है नाइनटी डिग्री हो जा रही है सो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है नाइनटी माइनस फाइव सो अगर मैं थीटा के जगह पे नाइनटी माइनस फाइव लिखू तो मेरी ये जो इक्वेशन है वो आ, क्या आ जाएगी एन आई ए बी साइन फाइव टू एन आई ए क्रॉस बी ये कंडीशन अगर मैं लगाया तब एन आई ए क्रॉस बी ठीक है समझ में आ रही है बात एम क्या है आई क्रॉस आई डॉट ए जो लिखा है मैंने आई इन टू ए जिसे हम एनभी लिख सकते एम भी लिख सकते हैं एम को हम आई डॉट ए भी लिख सकते जिसे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं जैसे कि यहां पे एन आई ए क्रॉस बी है ना तो ये आई ए को हमने एम लिखा है और एम को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओके समझ में आ गई बात नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर मूविंग गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ठीक है क्या होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखो एक मैग्नेटिक फील्ड दी देखी, दी गई है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉयल जैसी वाइंडिंग करके बहुत सारे टर्न्स लगा के हम एक कॉयल को रखते हैं अब इसके वजह से क्या होता है क्या होगा यहां पे फोर्स फील होगा सॉरी टॉर्क होगा लेकिन टॉर्क कब होगा जब इस पर करेंट फ्लो होगा तभी तो टॉर्क फील होगा है ना टॉर्क की वजह से यह क्या होगी रोटेट होगी ठीक है टॉर्क की वजह से रोटेट होगी अगर ये रोटेट होगी इससे हमने एक निडल लगा के रखा है तो ये भी निडल भी मूव होता हुआ दिखाई देगा समझ रहे हो ना बात को कि जो लूप हम करें मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं उसी लूप के साथ हम एक निडल लगा दे रहे अब ये जब लूप रोटेट होगा तो निडल भी घूमेगी गैल्वेनोमीटर का, का काम क्या है गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक, डिटेक्ट करता है करंट का डिटेक्शन का काम है है ना कि सर्किट में करंट है या नहीं गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलेगा ठीक है तो ये एक डिफ्लेक्शन शो करती है डिफ्लेक्शन कब शो होगा जब इसे टॉर्क फील होगा टॉर्क कब फील होगा जब लूप रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में और उस लूप में करंट रहेगा समझ में आ रही है बात तो अगर मैं लूप में करंट ना डालू टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए वी साइन थीटा तो अगर मैं लूप में करंट ना डालू तो मुझे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा लूप में करंट आया यानी कि डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा प्रिंसिपल समझ गए हो क्या कैसे काम कर रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ओके टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द एन आई ए बी दाइन फाई फाई मतलब वो नॉर्मल और किसके बीच का एंगल जो लूप है उसके बीच का एंगल है ओके टॉर्क इन द इक्वल्स टू के के ए राइट वेयर इज द रेस्टोरिंग रेस्टोरिंग कॉन्स्टेंट और रेस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं या फिर रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट हम लिख सकते हैं अल्फा इज द एंगुलर ट्विस्ट इन द वायर ओके एट इक्विलिब्रियम एन आई ए बी साइन फाइव टू के सो आई इक्वल टू के बाई एन ए बी साइन फाइव इन अल्फा ये क्या आ जा रहा है हमारे पास करंट आ जा रहा है कि कितनी करंट है आई इक्वल टू वो आ जा रही है द फैक्टर साइन फाइव कैन बी एलिमिनेटेड बाई चूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अब साइन फाइव ये जो हमारा टर्म है बाकी सारे देखो ये के है ये एरिया है ये नंबर ऑफ टर्न्स है ये मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है अल्फा है एंगुलर ट्विस्ट है ठीक है समझ में आ रही बात अब इस चीज को अगर मैं हटाना चाहूं साइन फाइव के बाकी सारे क्या है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है मैं सबको चेंज कर सकता हूं बट साइन फाइव को अगर मैं हटाना चाहूं तो मुझे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करना पड़ेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह के हम पहले हमने क्या लिया था स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ली थी राइट नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे स्ट्रेट आ रही है अब क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही है हर एक पॉइंट पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी ये जो टेंजेंट बनेगा या इसका परपेंडिकुलर यहां पे ये एक टेंजेंट बनेगा इसका परपेंडिकुलर राइट right? तो हमेशा साइन फाइव की जो वैल्यू है जो साइन फाइव की वैल्यू है वो क्या है हमेशा वन आएगा ठीक है हमेशा साइन फाइव की वैल्यू जो है वो वन आएगी दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज नाइनटी डिग्री तो हमेशा हम क्या करेंगे करंट को ज्यादा करने के लिए हम फाइव को वन कर दिए कांस्टेंट कर दिए बाय यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना क्योंकि यहां पे देखो बी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो जा रही है बी की डिरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो जा रही है तो जैसे ही चेंज हो रही है इसके साथ करेंट की डिरेक्शन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइव इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री मिलेगा एवरी टाइम ठीक है सो साइन फाइव इक्वल्स टू नाइनटी यानी कि साइन थी टू वन आ जाएगा तो ये आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं के बाई एन ए बी अल्फा और जिसे हम I equals to G alpha भी लिखते हैं। हैं हैं। इस G को हम हम कहते कहते okay. इसे से एक question पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बेस्ड ओके okay. आगे बढ़ते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर सो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम कैसे निकालेंगे अल्फा बाय आई करेंगे एन ए बी बाय के सो इट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट और इसका एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज वो हम कैसे निकालेंगे दैट इज अल्फा बाय वी करेंगे तो हमारे पास एन ए बी बाय के आर अल्फा बाय वी क्या है यहां पे देखो अल्फा हमारे पास क्या आया था सॉरी यहां से देखो i इक्वल टू के बाई एन ए बी अल्फा अब अल्फा बाई आई में अगर करूंगा तो एन ए बी बाई के आ जाएगा ठीक है अल्फा बाई वी करना है तो मुझे i को चेंज करना पड़ेगा i इक्वल्स टू वी बाई आर है ना i इक्वल टू वी वाई आर इस टर्म में चेंज करना पड़ेगा समझ में आ रही है बात सबको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होनी चाहिए अल्फा वाई बीवल्स टू एन ए बी बाई के आर तो इसे हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इसे हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ओके अब एमीटर एमीटर से में कैसे कन्वर्ट करें कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाया जाए सिंपल सी बात है गैल्वेनोमीटर के पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ दो शंट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं फिर से नहीं समझाऊं क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करें तो हमने देखा था तो शंट रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर की करंट यहां से हमें मिलेगा शंट में आने वाली करंट पैरेलली जोड़ना है तो शंट की जो करंट होगी आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी हम लिख सकते हैं सो गैल्वेनोमीटर बाय कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंटिंग इट विथ अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस है, so, है उसे शंट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड द शंट रेजिस्टेंस इज गिवेन एस ये क्या कहां से लाया किर्चوف्स लॉ से i minus i g into s equals to i g into g s equals to i g into g by i minus i g समझ में आ गई बात i क्या है जो इनिशियल करंट आ रही थी यहां पे कुछ डिवाइड हुई i g से यहां पे i शंट रेजिस्टेंस के ओके ये आ गया अब बाकि आती है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा शंट रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा और एक रेजिस्टेंस इसके सीरीज में डालना पड़ेगा ठीक है कैन बी कन्वर्टेड इन टू वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग विथ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ठीक है वेरी हाई रेजिस्टेंस इसे कनेक्ट करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा इसका कन्वर्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा देखो V इकोल्स टू आई फॉर्मूला आप ध्यान में ना भी रखो तो भी चलेगा क्योंकि सिंपल से आप लगा सकते हो करंट आई आई जी किसमें डिवाइड हो रही जी प्लस आर में ठीक है, है ना रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा वी वाई आई जी माइनस जी वी वाई आई जी माइनस जी अच्छा जी क्या है देखो जी है गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट के बाई एन ए बी ठीक है के सॉरी यही है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट समझ में आ रही है बात देखो ये जो भी मैंने कन्वर्जन वाला बताया कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर ये जेई के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ नीट में एक आधा सवाल कभी कभी पूछा जाता है बट ये बोर्ड में भी काफी पूछा गया है ओके सो आई होप कि आपको समझ आया होगा तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने कंप्लीट किया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स को जहां पे हमने समझा आ, इस पर्टिकुलरली इस वीडियो में हमने लॉरेंस फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को समझा है कि किस तरह से फोर्स काम में आती है साथ ही साथ हमने गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन uh, को गैलवेनोमीटर किस तरह से काम करती है ये भी समझा है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए क्योंकि लर्नो हब फ्री है फॉर बेस्ट है सो थैंक्स फॉर बींगयर एंड हैव अ ग्रेट डे